Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss an important topic which is a pressure of an ideal gas. So before we start this video, we have discussed about the kinetic theory of gases. So let's talk about this. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइडियली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज़ नहीं होती है. आइडियली हम नेगलिजिबल मानते हैं मॉलिक्यूल्स के साइज़ को. और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई साइज़ नहीं होती, और उनकी साइज़ नहीं होती तो जाहिर है कि वो आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी नहीं करते हैं. आपस में उनका कोलिजन होगा लेकिन उनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन लगभग नेगलिजिबल है. हम उसको नेगलिजिबल मानते हैं क्योंकि साइज़ ही नहीं है तो उनका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. तो आइडियली ऐसा है. हालांकि बाद में बोल्ट्जमैन ने पहले ही बताया था कि साइज़ होती है मॉलिक्यूल्स के, लेकिन कोई कंसिडर नहीं किया. और बाद में फिर ये माना गया कि मॉलिक्यूल्स की साइज़ होती है. कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके बाद फिर रियल गैसेज आई और उसके आधार पर हम आगे पढ़ते हैं. लेकिन बोल्ट्जमैन ने ही सबसे पहले ये बताया था. हालाँकि वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, न उसको बता पाए कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. तो आइडियली फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे गैस के आइडियल नेचर को. और आइडियली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ नहीं के बराबर होता है, तो वॉल्यूम भी लगभग नहीं के बराबर होगा, और उनका आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं लगता. बावजूद इसके वो प्रेशर क्रिएट करते हैं. अब ये प्रेशर कहाँ से आता है, उसी प्रेशर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. कि चूँकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके बीच आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है तो फिर उनके बीच प्रेशर आता कहाँ से, ये हमें सोचना है. तो हम देखेंगे कि ये प्रेशर टर्म किस टर्म से आता है. बावजूद फोर्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता आइडियल गैस में इसके बावजूद. और दूसरी चीज़ इसमें पता थी कि आइडियली जो है मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं, फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है. तो उन चीज़ों को हम एज्यूम कर लेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस. सो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूब को एज्यूम कर लेंगे. मान लीजिए कि वो यूनिट सेल है. ऐसा क्यूब लेंगे जिसकी क्यूब लेंगे हम, यूनिट नहीं कहेंगे. तो एक हम क्यूब ले रहे हैं जिसकी साइज L है. कुछ इस तरह से, तो इसको मान लेते हैं A, B, C, D, और इस फेस को मान लेते हैं E, F और G और H. और इसके लेंथ को ले लेते हैं स्मॉल l. तो क्यूब है जैसा कि, तो हर लेंथ सेम ही होगा. और ये एक फेस हुआ ए बी सी डी, और ये लास्ट इधर वाला फेस हुआ ई एफ जी एच. ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक स्मॉल पार्टिकल्स m है, और वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, इसको सपोज कर लेते हैं ये x एक्सिस है, x एक्सिस, और इधर y एक्सिस, और इधर z एक्सिस. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका मास स्मॉल m है. एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को हम स्मॉल m मान रहे हैं. इसकी जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में vx है, और y डायरेक्शन में vy है. उसके कंपोनेंट हम डिवाइड कर रहे हैं. एक्चुअली v हमारा ये है, मॉलिक्यूल्स v वेलोसिटी से जा रहा है. इसके तीन कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो vx, vy हो जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग, और vz हमारा इस एक्सिस के अलॉन्ग vz. तो एक जो छोटा सा मास हम ले रहे हैं स्मॉल m का, वो x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है. तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि इस वाले फेस को ए बी सी डी फेस वाले से इंटरसेक्ट करेगा, या उससे वो कोलिजन करेगा. तो देखिए, अगर इसके अंदर मान लीजिए कि गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस है, तो इसमें आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होगा. और हम ये मानते हैं कि आइडियली उनके आपस में कोई उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है. यानी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम सिर्फ सिंगल कंसिडर कर रहे हैं. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
उन मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में कोलिजन होगा, उनके बीच अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उसको हम आइडियल केस में कंसिडर नहीं करते। तो कंसिडर हम किस चीज़ को करेंगे? जनरली जो प्रेशर टर्म आता है वो कहाँ से आता है? प्रेशर टर्म हमारा यहीं से आता है, हमें कहीं फोर्स मिलना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आइडियली तो कोई फोर्स क्रिएट ही नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो आखिर ये फोर्स कहाँ से हो रहा है, इस फोर्स का सोर्स क्या है? तो हम क्या करते हैं कि आपस में इनका इंट्रैक्शन है वो तो नेग्लिजिबल है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों, लेकिन ये आपस में भी टकराव करेंगे, आपस में भी कोलिजन करेंगे, लेकिन साथ साथ फेस से भी टकराएंगे। जो क्यूब के 6 फेस होते हैं उन सभी फेस से ये टकराएंगे। तो कभी वो एक्स एक्सिस पे टकराएंगे, कभी वो वाई एक्सिस पे, कभी जेड एक्सिस पे, इधर जेड है हमारा, तो हर एक्सिस की तरफ कोलिजन होगा। तो जब ये कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा, डायरेक्शन उसका चेंज होगा। सपोज़ करिए कि अगर इधर की तरफ वेलोसिटी प्लस वी एक्स है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस वी एक्स होगा। कोलिजन हम इलास्टिक लेंगे इसलिए वेलोसिटी सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन हमारा चेंज होगा। यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी वी एक्स है तो जब टकरा के वापस आएगा मॉलिक्यूल तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी एक्स। तो हम ये आइडियल केस ले रहे हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल में ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल में कि जिस वेलोसिटी से वो जाए उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो, ये आइडियल केस में ऐसा संभव है। तो हम ये आइडियल केस ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि इस एक्सिस के पैरेलल जा रहा था और अपोजिट में हमारी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो अब क्या करेंगे, चूँकि इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा था और या इस फेस से टकराने के बाद जब वो रिटर्न होगा, कौन सा फेस? ए बी सी डी। इस फेस पे टकराने के बाद जब रिटर्न होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो देयर इज़ अ मोमेंटम ट्रांसफ़र या मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में चेंज आता है। अगर हम इसके हिसाब से मोमेंटम बोले तो होगा एम वी एक्स, लेकिन वापस आते समय निगेटिव हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा? एम वी एक्स होगा, और इसके वापस जब आएंगे निगेटिव डायरेक्शन में तो क्या होगा? एम वी एक्स होगा। और ये वाली लेंथ हमें पता है कि ये स्मॉल एल है, ये भी एल है, क्योंकि ये क्यूब है तो पूरी साइड सेम ही है। तो ये एल है और ये वापस आएगा तो यहाँ टू एल होगा, फिर ये वहाँ मतलब इधर आएगा फिर उधर जाएगा। तो वापस वो ए बी सी डी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा? अगर हम ए बी सी डी की बात करें, पहले चीज़ तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मोमेंटम में डिफरेंस होगा, एक मोमेंटम एम वी एक्स हो जाएगा, दूसरा फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। तो हम इनसे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि जो मॉलिक्यूल्स है हम एक ही एक्सिस पे ले रहे हैं फिलहाल वी एक्स, तो वो इधर फेस पे टकराएगा, फिर वापस आएगा इस फेस पे टकराएगा। तो क्या होगा जब इधर से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ गया और इधर से इधर, तो दोबारा उस फेस तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टू एल करेगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो एल है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एल और फिर वापस जाने में टू एल। तो दो सक्सेसिव कोलिजन होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? टू एल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। स्पीड कितना होगा? स्पीड हमारा वी एक्स है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमने स्पीड कितना मान रखा है? वी एक्स ही है। फिलहाल हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे, बाद में इसको जनरलाइज कर लेते हैं तीनों डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये होगा। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम देखिए मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? कोलिजन की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मोमेंटम चेंज हो रहा है। और मोमेंटम चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होगा तो हमें फोर्स का सोर्स दिखने लगेगा। मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा तो उसका रेट निकाल लेंगे, हमें फोर्स मिल जाएगा। तो यही फोर्स काम आता है आइडियल में प्रेशर के लिए, इसी फोर्स की वजह से प्रेशर बनता है। जो हम यहाँ फार्मूला डिराइव कर रहे हैं प्रेशर के लिए वो इसी फोर्स से आता है। किसकी वजह से? चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, जब हमारा मॉलिक्यूल्स किसी भी फेस से टकराएगा तो उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है और उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वही प्रेशर का कारण बनता है। परमिट एरिया पे उसको हम मान लेंगे कि वो प्रेशर है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा MVx माइनस MVx, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स MOVx। ये है इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल एक तरह से कह सकते हो, या दूसरा मोमेंटम, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब देखेंगे कि कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर हम सक्सेसिव बात करें तो वो टाइम लग रहा है हमें 2L अपॉन Vx। एक तरह से अगर हम टाइम निकालें, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ हम लिख लेंगे टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन तो ये हो जाएगा 2L अपॉन Vx। तो दो कोलिजन का टाइम ये है, तो यानी एक सेकेंड में कितना होगा, एक सेकेंड में हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा Vx अपॉन 2L, यानी टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इतना है, तो एक सेकेंड में कितना होगा 1/2। सो 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Vx अपॉन 2L। तो एक सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है, इतना कोलिजन हो रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स। ये हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। अब हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले हैं, अगर चेंज ऑफ मोमेंटम में कोलिजन पर सेकेंड का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा एक तरह से फोर्स, ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है और ये क्या है, पर सेकेंड कोलिजन है। तो कोलिजन के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा। तो इस टर्म को हम फोर्स लिख सकते हैं जो कि एक्स डायरेक्शन में है, तो फिलहाल इसको स्मॉल एफ लिखते हैं क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए है, जब इसको हम जनरलाइज करेंगे तो उसको हम लिख लेंगे वैसा। तो Fx की वैल्यू हो जाएगी दिस चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन वन सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 MVx, और यहाँ पे है Vx अपॉन 2L। तो फाइनली हमें मिल जाएगा MVx स्क्वायर अपॉन L, 2 कैंसिल। तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिंगल पार्टिकल जो फोर्स क्रिएट करेगा वो इतना होगा, Fx इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, और यहाँ से मिलेगा हमें MVx स्क्वायर अपॉन L। तो इसी तरीके से अगर हम मान लें कि इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों और वो सभी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर जाएंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम मानेंगे तो अलग अलग फोर्स वो क्रिएट करेंगे। मान लीजिए पहला वाला मॉलिक्यूल जो है वो Fx1 कर रहा है, जैसे ये Fx था, तो उसी तरीके से अगर पहला मॉलिक्यूल हमारा क्रिएट करे Fx1 फोर्स और दूसरा उसी तरह से Fx2, जैसे ये Fx1 है, x है, तो पहला पार्टिकल Fx1 Fx2, उसी तरीके से Fx3, सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो x एक्सिस के अलोंग हैं, केवल मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और लास्ट मान लेते हैं कि nवां जो है वो Fx1 फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको हम Fx से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3
ये सारा सफिक्स में है, प्लस डॉट 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 एफेक्शन एफेक्शन। तो एंड मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी फोर्स जनरेट करेंगे, इतना फोर्स जनरेट करेंगे। तो इसको हम सबके लिए लिख सकते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा, या चाहे तो इसको हम सिग्मा में भी डिनोट कर सकते हैं, या अलग अलग लिख लेते हैं। तो एम अपॉन एल क्या था, एम बाई एल, और ये हो जाएगा वी एक्स वन स्क्वायर, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। हमने कहा था कि हर मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि पहले वाले का, पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ वी एक्स वन है, उसी तरह से दूसरे वाले की वेलोसिटी कुछ वी एक्स टू, उसी तरह से तीसरा चौथा, ऐसे ही हम यन तक के लिए लिख सकते हैं। तो प्लस ऐसे ही हम इसको बढ़ा लें तो ये लिख सकते हैं एम बाई एल वी एक्स एन स्क्वायर। एम बाई एल सभी में से कॉमन ले सकते हैं, और इसको हम सिग्मा में डिनोट कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे आई वन टू एन, और ये हो जाएगा वी एक्स आई का स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स हमारा, फोर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन डायरेक्शन में कितना फोर्स क्रिएट होगा, इतना फोर्स होगा। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में जाएगा तो इस फेस से टकराएगा ए बी एफ ई या ई एफ बी ए, और फिर इस फेस से आकर टकराएगा। तो सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने इधर का निकाला था, उसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हम जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली वी कैन राइट फॉर या पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वी कैन राइट द फोर्सेस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दोनों एक्सिस के पैरेलल हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ वाई इक्वल एम अपॉन एल सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन वी एक्स आई, या यहाँ वाई आई लिख देते हैं, वी वाई आई स्क्वायर। और उसी तरीके से हमारा एफ जेड हो जाएगा एफ जेड एम बाई एल सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन वी जेड आई और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये हमारा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये जेड एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब हमें पता चल गया कि तीनों डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मान के रखा है, हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं, दिस प्लस दिस एंड दिस, तो तीनों फोर्स को हम ऐड कर लेंगे, ये हमें देगा टोटल फोर्स। और टोटल फोर्स अगर पता चल जाएगा तो हमें प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो निकाल लेते हैं टोटल फोर्स एग्जॉर्टेड बाई एन मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाई तो FF(fx + fy + fz)। तो सभी को हम एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m अपॉन l सिग्मा i इक्वल टू वन टू n वी एक्स आई का स्क्वायर प्लस m बाई एल सिग्मा वी वाई आई का स्क्वायर। उसी तरीके से लास्ट वाला हो जाएगा m बाई एल सिग्मा वी जेड आई का स्क्वायर। सब एक ही पैटर्न पे है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग इधर नहीं लगाना है। i इक्वल टू वन टू n, यहाँ भी i इक्वल वन टू n। तो ये दे रहा हमें टोटल फोर्स। इसको थोड़ा ऐसा एक्सपेंड कर लेते हैं, या तो इसको हम पहले प्रेशर के टर्म में लिख लें। अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ द प्रेशर एग्जॉर्टेड
pressure exerted on the cube by above force तो ऊपर वाला फोर्स कितना क्रिएट करेगा, तो वो हो जाएगा P इक्वल टू कितना होगा, F अपॉन L स्क्वायर। पहले हम यहाँ एरिया लिख देते हैं, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ फोर्स तो अभी हमने निकाला है, वो है फोर्स, एरिया कितना होगा, तो क्यूब का एरिया, या फिलहाल हम एक फेस की अगर बात करें तो एरिया कितना होगा, एरिया हम पर्टिकुलर फेस के लिए निकालेंगे, तो पर्टिकुलर फेस की एरिया ये एल है और ये भी एल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो एफ अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर जो है वो तीनों डायरेक्शन में, एक ही जैसा लग रहा है, प्रेशर तीनों डायरेक्शन में एक ही जैसा लग रहा है, क्योंकि फोर्स का नेचर हमारा एक ही जैसा है। ठीक है, तो गैस जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर समान ही लगाती है, तो इस हिसाब से अगर हम माने तो जो P है वही बराबर हो जाएगा Px, Py और Pz के। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा Px प्लस Py प्लस Pz, मतलब इस फोर्स की वजह से, फिर इस फोर्स की वजह से, फिर इस फोर्स की वजह से, तो Px होगा हमारा Fx की वजह से, Py इसकी वजह से, और ये वाला इसकी वजह से। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 3P के बराबर, 3P। तो जितना गैस, जितना प्रेशर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगता है। तो उस चीज़ को अगर हम यूज करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इक्वल टू अलॉन्ग वाई एक्सिस, इक्वल टू अलॉन्ग जेड एक्सिस, और ये तीनों का सम है जो अलग अलग बता रहा है, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 3P के बराबर होगा। तो 3P इज इक्वल टू दिस, यानी दिस फोर्स और अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने नॉर्मल फोर्स के लिए लिखा था, कोई नॉर्मली अगर फोर्स होगा तो हम प्रेशर इसी तरह से निकालते हैं, इस तरह से। तो अब हम इसको टोटल प्रेशर, अब हमारा 3P हो जाएगा तीनों डायरेक्शन में, और फोर्स ये है और अपॉन में L स्क्वायर। तो अब लिखते हैं फिर से, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा, यहीं से हम लिख लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ कंफ्यूज करेगी, P इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि हमारा जो Px है, Px के डायरेक्शन में भी हमारा P ही होगा, इसको हम कुछ और लिख लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रेशर है जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ के लिए क्या है कि चूँकि प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लगता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो, तीनों डायरेक्शन में, तो इसके थ्रू जो प्रेशर मिलेगा, इसके थ्रू भी वही प्रेशर मिलेगा, और इस फोर्स के थ्रू सेम प्रेशर मिलेगा, इसलिए वो तीनों प्रेशर मिलके हो जाएगा 3P के बराबर। और हमें सिंगल प्रेशर निकालना होगा फॉर्मूले के लिए कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कितना होगा। तो ये पूरा का पूरा 3P आएगा यहाँ पे, टोटल प्रेशर एग्जॉर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन ऑल थ्री डायरेक्शंस। तो वो कितना हो जाएगा, 3P, और उधर साइड में क्या है, ये सारी वैल्यू M बाई L, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है, L स्क्वायर भी होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं फिलहाल, F अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना हो रहा है, 3P हो रहा है, और टोटल फोर्स कितना था हमारा, टोटल फोर्स था ये पूरा, और एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, उसकी एरिया L स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर। तो यही चीज़ हम फोर्स के लिए लिखेंगे यहाँ पे।
तो इसको हम नहीं हटा रहे हैं, यहीं से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 3p इक्वल m बाई एल, और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, केवल हमें 1/L² ले लेना है। अगर हम यहाँ पे 1/L² ले लें बाहर, तो पूरी की पूरी वैल्यू यही हम लिख सकते हैं। तो 1/L² और यहाँ हो जाएगा m बाई एल सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वी बाई आई स्क्वायर प्लस m बाई एल सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वी जेड आई स्क्वायर। जेड के सफिक्स में आई होगा और ये दोनों ही इसके सफिक्स में आएंगे, तो इसको हम m बाई एल को भी बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा m अपॉन एल क्यूब, और इधर 3p तो है ही है, 3p ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वी एक्स आई का स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 1 to n वी वाई आई का स्क्वायर प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वी जेड आई का स्क्वायर, इस तरह से है ये। तो क्या करें, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, ये आई जो है वो डिनोट कर रहा है 1 से लेकर n पार्टिकल की वेलोसिटी या मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं m अपॉन एल क्यू, इस 3 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा p, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू डॉट डॉट डॉट, और ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे हम, 2-3 टर्म लिख लेते हैं बस, वी एक्स एन स्क्वायर। उसी तरीके से इसको एक ब्रैकेट में ले लें, दूसरा वाला हो जाएगा वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 दिखा देते हैं वी वाई एन स्क्वायर, क्लियर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लास्ट वाला वी जेड वन स्क्वायर वी जेड टू स्क्वायर और डॉट 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 वी जेड एन स्क्वायर, जेड टू है यहाँ लास्ट में जेड एन का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे हम, m अपॉन 3l³। अब इसमें x1 y1 और z1 को एक साथ लिख लें, ऐसा क्यों हो रहा है अभी पता चल जाएगा। तो वी x1 का स्क्वायर प्लस वी x2 का स्क्वायर वी y1 हो गया, वी y1 का स्क्वायर और वी z1 का स्क्वायर, यानी एक तरह से हम तीनों एक्सिस में पहले पार्टिकल का ये वी x1 क्या था, पहले पार्टिकल या पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, पहले पार्टिकल या मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, पहले पार्टिकल की जेड डायरेक्शन में, तो उस तीनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा वी x2 वी y2 का स्क्वायर, सेम उसी तरह से वी z2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में हम लिख सकते हैं वी xn वी yn और वी zn का स्क्वायर। तो xn yn zn और कुछ नया नहीं है, सेम है। अब इसके बाद जो प्रेशर हमारा आ रहा है, और ये LQ क्या है, LQ इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो क्या लिखेंगे, LQ यही तो होता है घन का आयतन, LQ साइड अगर L हो तो वॉल्यूम हो जाएगा वो LQ, यानी LQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो फाइनली हमें मिल रहा है प्रेशर इक्वल टू m अपॉन 3b, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको ठीक है, तो वी एक्स वन वी एक्स टू और ये सारे टर्म को हम इसको लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, हमने LQ को v कर लिया, और वी एक्स वन वाई और इसको लिख सकते हैं v1 स्क्वायर। देखिए ये है क्या, v1 वी एक्स वन स्क्वायर वी वाई वन स्क्वायर वी जेड वन स्क्वायर,
को हम लिख लिए वी वन स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से है कि वी वन अगर हम मानेंगे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन, तो इसके कंपोनेंट को हम कैसे लिखेंगे, वी एक्स वन का वी एक्स वन आई प्लस वी वाई वन जे प्लस वी जेड वन के, ऐसे ही तो लिखेंगे। वी वन पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है या मॉलिक्यूल की, उसका तीनों कंपोनेंट लिखना होगा तो हम ऐसे तो लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमें वी टू लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वी टू लिखेंगे वी एक्स टू आई वी वाई टू जे और वी जेड टू के, वी जेड टू के, यही तो लिखेंगे। उसी तरीके से लास्ट वाले को हम वी एन लिख सकते हैं, तो पहला हो गया वी वन स्क्वायर, दूसरा वी टू स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से लास्ट वाले टर्म को, इस टर्म को लिख सकते हैं वी एन स्क्वायर। इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। क्लियर है, ये फार्मूला अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूले से फिर हम आगे जो गैसियस लॉज हैं, कोई भी गैसियस लॉ को हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, तो फर्दर हम आगे देखेंगे उसको। और इसी तरीके से हम वी एन लिख सकते हैं, वी एन वन आई वी एक्स वन वी एक्स एन, ऐसा वी वाई वन प्लस वी वाई वन जे प्लस वी जेड एन के, जेड है ऐसा, तो यहाँ पे वी एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या दिखा रहा है, स्क्वायर है और उनका सम है, स्क्वायर और उनका सम। तो एक रिलेशन हमें पता है मीन स्क्वायर स्पीड का, मीन स्क्वायर स्पीड जिसको हम वी स्क्वायर बार से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में सी स्क्वायर बार भी मिलेगा, तो नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वी स्क्वायर बार को हम डिनोट करते हैं मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, और ये होता है वी वन स्क्वायर प्लस, जैसा कि नाम ही है, स्क्वायर स्पीड और उसका मीन। तो जितनी भी स्पीड्स होंगी उनकी स्क्वायर और उनका मीन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सभी स्पीड को हम ऐड करेंगे और उसके बाद जितनी भी इस होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी से हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ऐसा। तो यानी इस वैल्यू को हम वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर डॉट डॉट वी एन स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, यान इनटू दिस, यानी वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डॉट 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 वी वन स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं, एन मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बार, एंड दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड। और यहाँ पे जो एल क्यू की जगह हमने यूज किया था, इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि वी इक्वल टू एल क्यू, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये पूरे गैस का वॉल्यूम जो हम क्यूब लेट किए थे उसका ये वॉल्यूम है। अब इसके प्लेस में हम ये पुट कर सकते हैं, तो रख देते हैं इसको यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा 1/3 एम बाई वी और साथ में एन मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर बार। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी इक्वल 1/3 एम एन अपॉन वी और यहाँ पे वी स्क्वायर बार। तो एक्चुअली यही है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जो हमारा हेडिंग था उसका एक फॉर्म ये है, प्रेशर इक्वल 1/3 एम एन अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर बार, वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड दिस इज़ द मीन स्क्वायर स्पीड, एम इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और एन क्या है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अगर हम यहाँ चाहें तो एम एन को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एम से। हम अगर मान लें कि जो एम एन है वो एम के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। तो इसका अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये भी है फॉर्मूला, इसको अदर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं
तो इसका अदर फॉर्म हो सकता है पी इक्वल 1/3, ये हो गया कैपिटल एम अपॉन वी, और ये हो गया वी स्क्वायर बार, ऐसा, जहाँ पे एम टोटल मास ऑफ द गैस है या इसको, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर बार, तो एक फॉर्म ये भी है। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर वेयर रो इक्वल टू एम अपॉन वी, तो डेंसिटी ऑफ द गैस। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। इसको तो पता ही है ये मीन स्क्वायर स्पीड है, और इसकी वैल्यू हम बता दें अभी से, इसकी वैल्यू होती है 3 RT/m। ये आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो किसी दिन हो जाएगा। वी स्क्वायर बार की वैल्यू होती है 3 RT/m। यहाँ पे जो R है वो है गैसियस या गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड मास। अब इसको यहाँ मॉलिक्यूलर वेट भी यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है इसकी वैल्यू। और इसको फिर हम एक अनदर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन उसी के लिए है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो अलग अलग फॉर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 2 से और डिवाइड कर लें रो वी स्क्वायर बार, तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू 2/3। और इस टर्म को बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस टर्म को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो एक तरह से प्रेशर डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे भी, यानी पी इक्वल टू 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना काइनेटिक एनर्जी है वो डिनोट कर रहा है ये। तो इसको चाहे हम डेंसिटी लिखें, डेंसिटी ऑफ द गैस, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों ही ठीक है। तो न्यूमेरिकली ये इक्वल हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के 2/3 के बराबर। जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। तो अब इसको यूज करके जो ये हमारा बेसिक फार्मूला आ रहा है प्रेशर का, या ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला फार्मूला जो पहला वाला है वो ज़्यादा यूज होता है, एम एन अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर बार, ये वाला प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये तो अनदर दूसरे फॉर्म में था, लेकिन ये उसका ओरिजिनल फॉर्म है जो हमने पढ़ा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के लिए। तो इस थ्योरी को यूज़ करके, या इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूले को यूज़ करके, हम बहुत सारे लॉज जो हमने पढ़ा है गैसों के, आइडियल गैस के लिए जो अप्लीकेबल होते हैं, वो सारे लॉ को हम डिस्कस कर सकते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे आपका पहला हो गया बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, दूसरा हो गया चार्ल्स लॉ, तीसरा अवोगाड्रोज़ लॉ, और उसी तरीके से बाकी भी जितने लॉ हैं, डाल्टन्स लॉ, डिफ्यूज़न, ये सारे लॉ हम इसी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो इन सभी लॉ के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते हैं पहले से ही, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैटर का काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गैसियस के लिए काइनेटिक थ्योरी चलती है, और उसी बेसिस पे ये फार्मूला आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। तो बॉयल्स लॉ को हम जल्दी से देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पी भी इक्वल कॉन्स्टेंट,
पीवी इक्वल कांस्टेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पीवी बराबर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टी। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स ला क्या कहता है, चार्ल्स ला कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वी बाई टी का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पी कांस्टेंट है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर वी बाई टी इज़ कांस्टेंट। उसी तरीके से अवोगाड्रोज लॉ, दो तीन लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम कराएंगे इसको। अवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है कि अगर हम समान वॉल्यूम का कोई भी गैस लें, नंबर ऑफ गैसेस अगर हम चूज़ करें समान वॉल्यूम का, और उनको फिर डिफरेंट और उनको फिर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उनको रखें, तो उनके बीच जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या सेम होती है। सो n1 इक्वल n2 होगा अगर हम समान अमाउंट की गैस को, यानी समान वॉल्यूम की गैस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखेंगे तो उनके बीच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होंगे। तो इनको देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपका ओरिजिनल हेडिंग बन जाएगा डेरिवेशन या डिडक्शन ऑफ गैसियस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। सो डिडक्शन या डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, तो उसी से हम शुरू करेंगे, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम जानते हैं पी इक्वल 1/3 mn वी स्क्वायर बार अपॉन वी। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो प्रेशर है, तो स्टार्टिंग यहीं से होगा हमारा। वी नो दैट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस इज दिस, पी इक्वल टू दिस मच। अब इसको हम अगर क्रॉस कर लें सिंपल मैथमेटिक्स, तो ये इधर आएगा 1/3, इसको लिख सकते हैं mn वी स्क्वायर बार, क्लियर, 1/3। पी वी से हमारा प्रोडक्ट मिल गया और पी वी बराबर कॉन्स्टेंट ही होता है बॉयल्स लॉ। तो अब हमें क्या करना है, इधर के पोर्शन को टेम्परेचर के टर्म मिला के उसको कॉन्स्टेंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम mn को मान लेते हैं m, और अभी हमने बताया कि जो वी स्क्वायर बार होता है ये मीन स्क्वायर स्पीड होता है, और इसकी वैल्यू होती है 3 RT अपॉन m। तो और mn है टोटल m के बराबर, तो वी स्क्वायर बार की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें 3 RT अपॉन m, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मास से मास कैंसिल होगा 3 से 3, और ये हो जाएगा RT, यानी पी वी इक्वल RT। तो R तो हमें पहले से पता है कि ये गैसियस कांस्टेंट है, तो अगर T भी कांस्टेंट हो जाए, एट T कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा पी वी बराबर कांस्टेंट। तो क्योंकि R तो पहले से कांस्टेंट है और T कांस्टेंट हो गया तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पी वी बराबर कांस्टेंट, एंड दिस इज़ द बॉयल्स लॉ, यही तो है, दिस इज़ द बॉयल्स लॉ, दिस इज़ द बॉयल्स लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वाला, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसी तरीके से हम चार्ल्स लॉ को भी कर सकते हैं, तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ सेकंड, चार्ल्स लॉ देखिए, चार्ल्स लॉ में हमें पता है कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, तो उसी तरह से चलते हैं, पहले वी को यहाँ कर लेते हैं, पी को इधर कर लेते हैं। तो वी बराबर लिख सकते हैं 1/3 पी, और ये mn है, और यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर बार, ठीक है। तो इसको अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर हम लिख लें
तो 1/3p, और ये तो कैपिटल M लिख सकते हैं, और ये है हमारा 3 RT/M। अब इस T को अगर हम इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा V/T। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ T आ गया, सो M से M कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिंपली R/P। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर R तो पहले से कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट रेशियो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हमें मिल गया V/T इज कांस्टेंट। तो यही तो है चार्ल्स लॉ, सो दिस इज चार्ल्स लॉ। तो एक फार्मूला सारे लॉ को डिराइव कर रहा है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आ रहा है, तो समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरीके से हम अवोगाड्रोस लॉ भी कर सकते हैं, अवोगाड्रोस लॉ। तो इसमें हमें सेम अमाउंट लेना था और हम दिखाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो हम दो गैसेस कंसीडर कर लेंगे जहाँ पे नंबर उनका अलग अलग दिखाई देंगे, तो दो गैसों के लिए हम लिख सकते हैं, और हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम हम सेम रखेंगे, तो फिलहाल फार्मूला तो यही है। और दो गैसों के लिए अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा 1/3, मास उनका चेंज कर लेते हैं, M1N1/, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम हमको सेम रखना है। देखिए अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर सेम अमाउंट के वॉल्यूम को हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रखेंगे, मतलब बहुत सारी गैसेस लेंगे लेकिन उनका वॉल्यूम हम सेम रखेंगे, उनको हम फिर प्रेशर और टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर रखेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, N1 = N2 होगा या .. बहुत सारे ऐसा होगा। तो हम फिलहाल दो के लिए कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा सेम होगा, वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं V²/। तो ये हुआ पहले गैस के लिए, उसी तरह दूसरे गैस के लिए भी लिख सकते हैं, 1/3 M2N2 V²/V। ये दोनों इक्वेशन, ये वन गैस के लिए, ये अनदर गैस, दो गैसों के लिए हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस लिख सकते हैं, ऐसा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस P हो जाएगा और ये हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वन और टू से हम लिख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर हम इधर लेके आए और ये वाली वैल्यू भी, तो राइट में हमारा यही पोर्शन दिखेगा, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हम लिख सकते हैं M1N1 V1²=M2N2 V2²। ठीक है, लिखने के मामले में थोड़े से आलसी हैं इसलिए इतना मैनेज कर लेना, वी कैन राइट, तो राइट तो लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से। अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं हाफ, और N1 को थोड़ा सा सेपरेट कर लें, ½ N1 V1², और यहाँ लिख लेते हैं ×N1, और इधर हो गया ½ M2 V2²×N2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्या शो कर रहा है, ये दोनों टर्म काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का मीन स्क्वायर दिख रहा है इस तरह का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इधर भी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इधर भी है, और हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फार्मूला होता है, ½ mv²/3/2 RT। सो दिस फार्मूला कम्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो ये हमें मिलेगा वहाँ पर, ½ mv²/3/2 RT, R इज द सेम इज गैस कॉन्सटेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एट कॉन्सटेंट टेम्परेचर, याद रखिए अवोगाड्रोस में हमें वॉल्यूम सेम रखना था और उसके बाद उसको सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे रखना था,
तो वॉल्यूम सेम और प्रेशर सेम तो हमने रख लिया, अब सेम टेम्परेचर रखने की बारी है। तो सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होगी। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो यहाँ जो कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। यानी हम लिख सकते हैं एक लाइन कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लिख लेंगे वी नो दैट फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर या काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम जानते हैं, वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही हो गई सेम, ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई तो हमें फाइनली क्या मिला N1 = N2। तो यही तो था हमारा अवोगाड्रोज़ लॉ कि अगर हम सेम अमाउंट की दो गैसों या बहुत सारी गैसों को एक साथ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखेंगे, हमने यहाँ प्रेशर भी सेम रखा और लास्ट में टेम्परेचर की प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो N1 = N2 के बराबर है। तो ये जो तीन मेन लॉ थे जो ज़्यादातर अक्सर पूछा जाता है कि डिराइव टू और टू मेनली टू, तो दो ही लॉ को अक्सर पूछता है डिडक्शन के लिए, हमने तीन बताया है तो मोर देन इनफ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन टॉपिक भी बड़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और फिर उसके थ्रू प्रेशर का फॉर्मूला निकालना एंड देन उसके बाद डेरिवेशन सारा इसके थ्रू। फिलहाल कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, थैंक यू सो मच।